स्वामी जी, हम बहुत कुछ अध्यात्म विज्ञान के बारे में, धर्म दर्शनों के बारे में पढ़ते हैं, तो तीन टर्म आती है, ज्ञाता, ज्ञेय और जानने वाला, देखने वाला और पहचानने वाला। उसी तरीके से हे, ज्ञेय और उपादेय, ये तीन शब्द जो है प्राय प्राय हर धर्म दर्शन में मिलते हैं। तो हे, ज्ञेय, उपाय और ज्ञाता और दृष्टा, इन सब चीजों को हम अपने अध्यात्म विज्ञान और आर्ट ऑफ लिविंग के अंदर, आर्ट ऑफ जो हमारा विजन है उसके साथ हम जोड़ करके देखें तो किस तरीके से हमारा जीवन बैलेंस्ड और संतुलित हो सकता है। कृपया इस पे प्रकाश डालिए। ये जो आपने बताया कि दृश्य, दृष्टा और दृष्टि, ये तीन बातें, दृश्य, दृष्टि और दृष्टा। तो यहाँ दृश्य का मतलब होता है दुनिया देखती है वो, दृष्टि का मतलब होता है दुनिया को देखने वाला, और दृष्टा का मतलब होता है प्रकाशक। तो आत्मा प्रकाशक है, स्व पर प्रकाशक है, और वो प्रकाश की हाजिरी में जो दृष्टि है वो अवस्था को देखती है, दृश्य को देखती है। ये तीन चीजें, दृश्य है, दृश्य को देखने वाली दृष्टि है, और दृश्य को प्रकाशित करने वाला दृष्टा है। दृष्टा का मतलब होता है आत्मा, दृष्टि का मतलब होता है देखने वाला, और दृश्य का मतलब होता है जो पूरी दुनिया देखती है वो। तो ये तीनों चीज अलग है। इसमें मुख्य रोल किसका है, एक तरफ आत्मा है, दूसरी तरफ दृश्य है। तो दृश्य और आत्मा के बीच दृष्टि है। ये जो दृष्टि अगर दृश्य के साथ जुड़ जाती है तो नया संसार शुरू होता है, क्योंकि राजस होता है। अगर ये दृष्टि दृष्टा के साथ जुड़ जाती है तो राग द्वेष खत्म हो जाता है, क्योंकि दृश्य तो अपने आप आता है और चला जाता है, मगर दृष्टि का जुड़ाव जब दृष्टा के साथ, दृष्टा का मतलब होता है आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, तो दृश्य का राग द्वेष नहीं होगा, दृश्य आएंगे और चले जाएंगे। तो दृश्य का मतलब होता है मन, वचन, काया की हर अवस्था को हम दृश्य बोल सकते हैं। पांच इंद्रियों से देखती हुई दुनिया को हम दृश्य बोल सकते हैं, यानी हर प्रकार का दृश्य जो है वो दृश्य को देखने वाली दृष्टि है, और दृष्टि को प्रकाशित करने वाला दृष्टा यानी आत्मा है। तो यहाँ तीन चीज है, एक आत्मा है, एक प्रतिष्ठित आत्मा है जिनके पास देखने की, पुरुषार्थ करने की, समझने की दृष्टि है, और तीसरा है कि दृश्य जो मन वचन काया भी उसमें आ गया, और मन वचन काया से और पांच इंद्रियों से दिखती हुई दुनिया भी उसमें दृश्य में आ गई। तो तीन चीज समझना है, ये हमारा जो प्रतिष्ठित आत्मा है, मूल आत्मा है, और प्रकृति है। मन वचन काया उसका नाम है प्रकृति, मन वचन काया को देखने वाला उसका नाम है प्रतिष्ठित आत्मा, और प्रतिष्ठित आत्मा को प्रकाशित करने वाला है वो परमात्मा है। तो प्रतिष्ठित आत्मा जैसी प्रतिष्ठा करेगा ऐसा नया कर्म बनेगा। तो प्रतिष्ठित आत्मा अगर प्रकृति के साथ जुड़ जाता है तो नया राग द्वेष का संसार खड़ा हो जाता है। प्रतिष्ठित आत्मा अथवा मूल आत्मा के साथ जुड़ जाता है तो राग द्वेष खत्म हो जाता है, कर्मों के भुगतान खत्म हो जाती है। तो यहाँ ये अध्यात्म का सार ये है कि पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति है वो प्रतिष्ठित आत्मा है, न प्रकृति है न परमात्मा है। प्रकृति कुदरती रचना से बनी हुई है, कुदरती रचना से चलती है, और कुदरत ही उनको एंड लाती है, तो उनके पास पुरुषार्थ करने की स्वतंत्रता नहीं है। और परमात्मा चेतन है, अविनाशी है, और उनकी सब शक्तियां शाश्वत है, इसीलिए उसको पुरुषार्थ करने की जरूरत भी नहीं है। तो पुरुषार्थ करने वाला एक ही है जो दोनों के बीच है, प्रकृति भी नहीं है, परमात्मा भी नहीं है, मगर प्रतिष्ठित आत्मा है। उनके पास जैसा ज्ञान है वैसा वो पुरुषार्थ करता है। तो ज्ञान के अंदर प्रकृति का इम्पोर्टेंस है तो नया संसार बनाएगा, ज्ञान के अंदर परमात्मा का इंटरेस्ट है तो पुराना संसार खत्म होगा और नया संसार बनेंगे नहीं, तो इसीलिए वो संसार से मुक्ति की धीरे धीरे अनुभूति कर पाएगा।